आज हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, ये हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना हमें। सबसे पहले हम इस गिवन नेटवर्क को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला पॉइंट ए है हमारे पास, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, 15 ओम, 10 ओम। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस दिखाएंगे हम, 6 ओम, 3 ओम। उसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। हमें निकालना पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। इसको हमने रीड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हमने इस तरीके से दिखा दिया, इसको शॉर्ट करके। उसके बाद 15 × 10, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 10/25। 5 से कटेगा ये, 3 5 जाएगा 6 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम, और इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 3/9, 2 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओम। सबसे पहले ये जो इसका ही जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 6 ओम। उसके बाद नीचे वाले का हो जाएगा 2 ओम। इसके अगर से पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इधर है हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम। अब ये जो 6 ओम और 2 ओम है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ओम। तो यहाँ से 8 ओम, 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ से जो आर ए बी या आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 पैरेलल 2, 8 × 2/8+2 10, 16/10, ये हो जाएगा 1.6 ओम, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई किया हमने, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो रखा है। उसके बाद हमने इसको सिंपलीफाई किया, 15 और 10 का जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पे हमने 6 ओम लिख दिया। 6 और 3 का जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो हो जाएगा 2 ओम, तो यहाँ पे हमने 2 ओम लिख दिया। और यहाँ से 2, 6 और 2 हमारे सीरीज में है, तो 6 और 2 8, और ये 2 दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.6 ओम। इसके बाद देखेंगे हम अपना अगला एग्जाम्पल। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें। सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, या इसको नेम देंगे हम। जैसे ये हमारा ए पॉइंट है तो ये भी हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी है, ये भी हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कर रखे हमने, तो इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सी। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए ए और सी, यहाँ से ये भी ए और सी है, तो ये दोनों हमारे पैरेलल में है। यहाँ से ए और सी, ए और सी, ये भी दोनों पैरेलल में है। ऐसे ही नीचे बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी। सबसे पहले हम इसके जो दोनों पैरेलल में इसको सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने के बाद आएगा 30 30 का आ जाएगा 15 ओम, क्योंकि जब हमारे दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में होते हैं तो हम उस वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 2, तो हो जाएगा 15 ओम। इसका जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा वो होगा 6 ओम,
20 20 दोनों सेम वैल्यू गया, ये हो जाएगा 10 ओम, 10 10 दोनों सेम वैल्यू गया, ये हो जाएगा 5 ओम। तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा 15 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो इसको हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट। अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे। इस ए को हम बाहर की तरफ दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा ए पॉइंट है ए, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी। हम इसको अंदर की तरफ से भी ज्वाइंट करके दिखा सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ये हो जाएगा 15 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 5 ओम। हम इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे, इसको ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा 15 ओम, 6 ओम, उसके बाद ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, 10 ओम, 5 ओम, ये हो जाएगा पॉइंट सी। 15 और 6 दोनों पैरेलल में, ये सोल्व करेंगे हम, 10 और 5 पैरेलल में सोल्व करेंगे, उसके बाद ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, जैसे कि 15 इंटू 6 दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 21, 3237, ये हो जाएगा 30/7, और यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 15, इसको हम काटेंगे 10/3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 30/7 और 10/3, ये हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा ए बी, आर ए बी हो जाएगा 30/7 प्लस 10/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 7 21 3 90 70, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 21 ओम। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, हमारे से पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले नेम देंगे, ये ए पॉइंट होगा, ये बी, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो हमने इसको सी पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने सी पॉइंट मान लिया। यहाँ आप देख सकते हैं ए और सी, और ये वाला ए और सी दोनों पैरेलल में है, ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ भी ऐसे ही है। सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ये और ये, इसको सोल्व किया, ये दोनों पैरेलल में 30 30, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 2, तो हो जाएगा 15 ओम। 15 और 10 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा 6 ओम, तो हमने यहाँ पे 6 ओम लिख दिया। 20 20 हो जाएगा 10 ओम, और यहाँ पे 10 10 हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इस ए को हम बाहर की तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है बी, और सी को हमने बाहर की तरफ से कनेक्ट किया है, हम इसको अंदर की तरफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नोड सी है, नोड सी है, तो नोड सी को हम छोटा करके दिखा देंगे। उसके बाद 10 5 नीचे पैरेलल में दोनों, 15 और 6 दोनों पैरेलल में, इसको हमने सोल्व किया, उसके बाद ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, और उसके बाद ये जो फाइनल आंसर आया वो आया 160 डिवाइड बाय 21 ओम। ये दो एग्जांपल कर लिए हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।